एक ग्रुप बनाया गया था कि कुछ भी बात होती तो उसमें मुझे सिर्फ एक मैसेज डालना था, अगर कोई ऐसे भी छू देता ना एक मैसेज जाती बहुत ड्रामा हो जाता। तो राजवीर सिसोदिया ने रिवील करके बताया कि वो एजाज खान से मिलने अकेले नहीं गए थे। आप सभी ने एजाज खान और राजवीर सिसोदिया के लफड़े वाली वीडियो तो देखी होगी, जिसमें राजवीर सिसोदिया एजाज खान से मिलने अकेले चले गए थे और उन दोनों के बीच में काफी देर तक बहस भी हुई थी। तो इसी चीज पर आज राजवीर सिसोदिया ने रिवील करके बताया कि किसी से दूसरे स्टेट में जाकर एक लफड़े के लिए मिलना काफी जिगरे वाली बात है, तो ये देखकर कोई भी उनसे इन्फ्लुएंस ना हो क्योंकि वो बस देखने में अकेले थे। उन्होंने बताया कि उनके बैकअप में कुछ पॉलिटिशियन एंड संगठनों का सपोर्ट था, सब कुछ तैयार था एंड वहां पर अगर कुछ भी गलत होता तो राजवीर सिसोदिया को बस एक मैसेज या कॉल करने की देरी थी। बाकी उन्होंने क्या बताया आप देखिए। तो भाई ऐसा है, कुछ भाई हमारे छोटे छोटे मुझे देख के इन्फ्लुएंस ना हो कि अकेले किसी दूसरे स्टेट में दूसरे एरिया में चले जाओ, क्योंकि उसके लिए जिगरा तो बहुत चाहिए ही चाहिए, लेकिन जिगरे के साथ साथ कभी कभी पिटाई भी हो जाती है। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ। नेताजी तो हमारे जानते ही होगे तुम, ब्रजभूषण जी, और ये हमारे कटप्पा हैं ब्रजभूषण जी के, स्वप्निल भाई। तो भाई यहाँ से जो बैकअप गया था वो इतना बैकअप गया था, आज तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, स्वप्निल भाई ने सारा जुगाड़ कर दिया था। एक ग्रुप बनाया गया था जिसके अंदर आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, दो बड़े पॉलिटिशियन और हमारी करनी सेना और हमारी वहाँ का कौन सा संगठन चलता है, मराठों का एक ग्रुप बनाया गया था कि कुछ भी बात होती तो उसमें मुझे सिर्फ एक मैसेज डालना था, अगर कोई ऐसे भी छू देता ना एक मैसेज जाती बहुत ड्रामा हो जाता, सारी चीज़ें खत्म हो जाती। तो थैंक्स टू स्वप्निल भाई और शुभम भाई का तो हमेशा सपोर्ट आपने देखा ही होगा, जब जब कुछ भी हुआ तो शुभम भाई साथ में खड़ा मिला हमारे। ठीक है, तो भाई अंदर की बात ये है, जब तक बैकअप नहीं है ना तब तक कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी बोल भी रहे ना अकेला हूँ या अकेला दिख रहा हूँ, तो अकेला कहीं भी नहीं हूँ, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में चला जाऊँ अकेला नहीं हूँ। ठीक है, नेताजी का हाथ है, फिर स्वप्निल भाई और बहुत सारे जितने भी हमारे राजपूत भाई हैं सबका रहता ही है। तो कहने का मतलब ये है, बिना बैकअप दूसरे मोहल्ले में मत जाना साड़ो, नहीं तो कुटाई हो जाएगी। अकेले चले जाओ, दिखो अकेले, लेकिन अकेले होने नहीं चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हाँ 15 मिनट की दूरी पे इतना बैकअप है कि कुछ भी होता है तो पूरा एरिया घेर लिया जाएगा, पूरा शहर घेर लिया जाएगा। इतना बैकअप कम से कम होना चाहिए, सबके पास नहीं होता इतना, वो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही करो कि लड़ाई झगड़े ना ही हो, तभी मान सम्मान पे, स्वाभिमान पे बात आती है, तो फिर भाई एक्शन लेना भी पड़ता है। और उसमें भी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई बड़े भाइयों पे प्यार से और आदर से चीज़ें, प्यार से अगर ख़त्म हो जाती तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर भाई बताइए। वैसे इस सब पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।